अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं दही फुल्की। ये नहायत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, इस रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई करें। आइए इसके इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम बेसन ले लिया है, नमक हसबे ज़ायका है, भुना हुआ ज़ीरा है, मीठा सोडा है खाने वाला, लाल मिर्ची का पाउडर है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को बेसन में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। पानी से अच्छी तरह से फेंट लें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। आइए दही की तैयारी करते हैं। यहाँ पे बोल पे मैंने आधा किलो दही ले लिया है, लाल मिर्च का पाउडर है, शक्कर और नमक डाल दिया है, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अगर दही गाढ़ा हो तो थोड़ा पानी मिला लें। आइए फुलके तलने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे पैन में मैंने तेल डाल दिया है, जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसकी आंच धीमी कर दें। चम्मच की हेल्प से थोड़ा थोड़ा पोषण तेल में डालते जाएं बैटर का। पोषण में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रखें ताकि आपस में चिपके ना। जब ये वन साइड सीख जाए तो उसे पलट दें। जब ये हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसे झारे से निकाल कर डायरेक्ट दही में डाल दें और कोरिएंडर से इसको गार्निश कर दें। यहाँ तड़के की तैयारी करते हैं। यहाँ पे लाल मिर्च है, कड़ी पत्ता है, ज़ीरा है। गरम तेल में तमाम चीज़ों को डाल दें। यहाँ पे मैंने हींग पाउडर भी डाल दिया है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है तड़के में। और इसे सारा बोल में डाल दें तड़के को। देखिए हमारी दही फुल्की बनकर बिल्कुल रेडी है। ये नहायत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सी बनी है। इस रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह खैरा, अल्लाह हाफिज़।